program is sponsored by Safal Group. बांदा में नए डीआईजी को आते ही दबंगों ने दुस्साहित चुनौती दी है। दबंगों ने एक दलित परिवार पर अपनी लाइसेंसी बंदूकों से फायरिंग कर एक बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया और एक बुजुर्ग को घायल कर जालिम दबंगों ने घर में मौजूद मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा और उनके जिस्मों में भी छर्रे धंसा कर उन्हें भी घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देकर दबंग हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग और बच्चों को जिला अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं इस मामले में एक बार फिर पुलिस अपने ढंग से मामले का हल्का लेने लिप्त दिख रही है। बांदा में नरैनी थाना क्षेत्र के भावरपुर गांव में इस बार दबंगों ने खूनी खेल खेला है। दबंग कुबेर पटेल के दबंग बेटों मोनू और चुनवा ने आज देर शाम दलित राम आसरे के पूरे परिवार पर अपनी लाइसेंसी बंदूकों से हमला बोल दिया और फायरिंग कर दी। दबंगों की गोलीबारी में घर के आंगन में मौजूद 70 साल की वृद्ध महिला रतिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 72 वर्षीय राम आसरे और उसके 2 मासूम नाती लव और रघुनाथ भी गोली लगने से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज और चीख सुनकर मौके पर पहुंचे मृतिका का पुत्र संतोष और पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के साथ घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों को इलाज किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी हत्यारों से उनकी कोई रंजिश नहीं है। वहीं बांदा में लगातार हत्याकांड से जूझ रही पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में भी एक बार फिर पर्दा डालने की कोशिश शुरू कर दी है। जिला अस्पताल पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में एक तरफा तौर पर बेहद हास्यास्पद बयान देकर मामले को दबाने की कोशिश की है। इस मामले में अस्पताल पहुंची SP बांदा और CO सिटी की माने तो आरोपियों ने चिड़िया का शिकार करने के लिए गोली चलाई थी, जिसके जिद में ये गरीब दलित परिवार आकर जान से हाथ धो बैठा और घायल हो गया, जबकि ये पुलिस की इस कहानी की पुष्टि घायलों ने की है। वहीं पुलिस की ये बात कि वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर दिए गए हैं, लेकिन आरोपी अभी फरार, ये बात भी पुलिस की कार्यशैली बताने के लिए काफी है। कुबेर पटेल का लड़का मोनू नाम है, एक चुनुआ नाम है, दोनों भाई आए, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा, बस बैठे थे, अपना बच्चे बैठाए थे, अपना घाम ले रहे थे, और बस मैं तो अंदर था और बस आया दुनाली लेके दोनों पैर मार दिया, कह रहे हैं कुरेला मारा, जब मेरे माँ का गुहार मारा तब मैं निकला तो देखा मैंने बंदूक पकड़ा जल्दी से उसका, फिर बंदूक छुड़ा ले गए और आगे और हमी मारने लग गए। देखिए नरेनी में बिलहरका के गांव में एक दो आदमी थे जो दो नाली बंदूक से, उनका कहना मतलब वहां लोगों का कहना है कि वो लोग शिकार करने के लिए निकले हुए थे, जिसमें वो तीतर का शिकार करने के लिए निकले और इसमें जब इन्होंने फायर किया तो ये गलती से इन लोगों को लग गई जो वहां आसपास लोग सो रहे थे, और जिसमें से एक जो ओल्ड लेडी थी वो एक्सपायर हो गई है और 2 छोटे बच्चों को लगी है और एक ओल्ड बुजुर्ग को लगी है जो अभी अस्पताल में है, जिनका ट्रीटमेंट के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और इसमें बाकी ये जांच का विषय है कि वो इनको टारगेट करके इन्होंने इसमें गोली चलाई है या वास्तव में वो शिकार करने गया था और गलती से उसको लगा था, लाइसेंसी वेपन था ये।